ये है न्यूज नेब डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज नेब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सोमवार को पाकिस्तान की ओर से हुई नापाक गोलीबारी में महज 24 साल के एक नौजवान ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में शहीद हुए सेना के जवान आरिफ पठान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान वहां मौजूद हजारों लोगों ने भारत माता की जय एवं जब तक सूरज चांद रहेगा आरिफ तेरा नाम रहेगा के नारे लगाते हुए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक 22 जुलाई सोमवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की गई, जिसमें गुजरात के वडोदरा जिले के नवायार्ड गांव निवासी राइफलमैन मोहम्मद आरिफ शरीफ आलम खान पठान जख्मी हो गए। उन्हें सीने में गोली लग गई। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि 23 जुलाई को उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर इंडिगो की उड़ान से वडोदरा हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां कई सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद 24 जुलाई को शहीद जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने बताया कि आरिफ 18 राइफल बटालियन का हिस्सा थे। वो बहादुर और बेहद जोशीले एवं संजीदा सैनिक थे। राष्ट्र हमेशा उनके सर्वोच्च बलिदान और उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए ऋणी रहेगा। वहीं अपने बेटे की शहादत पर गर्व करते हुए शहीद जवान आरिफ के पिता सफी आलम ने कहा कि वो अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भेजेंगे। अपने जाबाज बेटे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आरिफ को शुरू से ही सेना में भर्ती होने का शौक था। वो पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में भी बेहद होशियार था। बताया कि रविवार को ही उससे फोन पर बात हुई थी, तब उसने कहा था कि वो वहाँ पर बहुत खुश है। उसने कहा कि वो बाद में फोन करेगा, लेकिन बाद में उसका नहीं बल्कि उसकी शहादत का फोन आया। आरिफ के शहीद होने पर गर्व तो सबको है, पर साथ ही उसके हमेशा के लिए चले जाने का गम भी है। वडोदरा से क्रिस्टीना मैकवेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ने गुजरात। अरे यार बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। हां जो पोजीशन है उसमें थोड़ा आगे तुम सेट हो जाओ, बस हटा दो आगे से। नो हाँ आगे वाले को बोल दे बैठ जा भाई, बिठा दो उनको आगे खड़े पास में। आगे वाले बैठ जाओ अंदर खड़ा हो तो कम से कम नीचे तो बैठ जाओ, दूसरों को परेशान, पीछे वालों को परेशान ना हो। मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, हटाया उधर से। बाहर जाओ, बाहर तो नहीं जाएगा।
बढ़िया ताले तारा।